राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 158 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। धौलपुर से 40, जयपुर से 36, भरतपुर से 34, झालावाड़ से 12 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। सिरोही से भी 11, करौली से 10, राजसमंद से 8 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले और बीकानेर से भी 3, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू से 1-1 कोरोना पॉजिटिव क्रमशः है। इसके साथ अन्य राज्य का एक व्यक्ति भी कोरोना का संदिग्ध मिला। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या बढ़कर 14,314 और राजस्थान में कोरोना से अब तक 333 मरीजों की मौत भी हो गई है। लगातार प्रदेश में भी कोरोना का संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 158 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए और संख्या जो है कुल वो बढ़कर 14,314 फिलहाल। राहत की बात इन सभी के बीच में ये है कि रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है राजस्थान का पूरे देश में और प्रथम स्थान रखता है। बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वो मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, 10,000 से भी ज्यादा की वो संख्या है, 10,000 से 11,000 के बीच में। बीते 24 घंटे में 158 नए पॉजिटिव मामले सामने आए और राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14,314। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी प्रदेश में 333 है। लगातार जो ग्राफ है कोरोना का वो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है लेकिन रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है। राहत की बात इन सभी के बीच में यही है, तमाम अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है प्रदेश की चिकित्सा महकमा। काफी ज्यादा संजीदा तौर पर इस पूरे मामले को देखता आया है शुरुआती दिनों से ही और इसी के चलते कहीं ना कहीं स्थिति को भयंकर होने से और भयावह अधिक होने से नियंत्रित किया जा चुका है अभी तक प्रदेश में। लेटेस्ट अपडेट कोरोना का आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 158 कोरोना के पॉजिटिव केसेस 24 घंटे में सामने आए और 14,314 फिलहाल संख्या कोरोना से संक्रमित लोगों की प्रदेश में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।